किसान दिवस किसानों के बेहतर जीवन व्यतीत करने को लेकर किसान दिवस मनाई जाती है। किसान दिवस के अवसर पर लोजपा के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों की बदहाली के बारे में चित्रण की गई और उसके बेहतर के लिए मांग भी किया गया। जो किसान के लिए जो जो किसान के लिए जो बहुत सुगात अवसर लाए हैं, जो समर्थन मूल्य पर धान पर जो मूल्य बढ़ा है उसके अधिक हम लोग किसान के माध्यम से आज एक जनता को बताने के लिए काम किए करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के आजादी के 70 वर्ष बीतने के बाद पहला प्रधानमंत्री है जो किसानों के प्रति उन्होंने चिंता जताई है, और जो देश के अंदर किसानों के साथ जो हो रहा था और किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे, वह झंडा हटाओ किसान को, जो लगातार आत्महत्या हो रहा था किसानों को, किसान उठते जा रहे थे, कृषि पर कोई आधारित रहना नहीं चाहता था, 10,000 रुपया का नौकरी करने मेरे यहाँ के हजारों हजार युवक सूरत और पंजाब जाकर के काम कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो धान और गेहूँ और बाजरा कपास का समर्थन मूल्य 200 रुपया से लेकर के 800 मनाकर और एनडीए सरकार के द्वारा जो ये कार्य सराहनीय कार्य किया गया है, जनता के बीच ये संदेश देना चाहती है कि किसानों का अगर कोई दुश्चिंतक इस देश में है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय रामविलास पासवान जी हैं। जो धान हम लोगों को 12% मॉइस्चर के बाद नहीं खरीदा जाता था उसको माननीय रामविलास पासवान जी ने 17% मॉइस्चर पर भी धान खरीदने का आदेश दिया, और इस तरह से किसानों के हित में आज जो सरकार काज कर रही है उसको लेकर के और पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी इस अच्छे काम के लिए नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, काज किया गया है, उसको लेकर के पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर जनता के बीच एक संदेश देने का काम कर बोल रहे थे कि हम लोग किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारा मुल्क जो है उसको आज़ादी मिले 73 वर्ष हो गया। अब तक जब भी कहीं समर्थन मूल्य बढ़ा तो 50 रुपया 25 रुपया तक ही समर्थन मूल्य बढ़ा था, किसानों के प्रति किसी की चिंता नहीं थी, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके खरीफ फसल पर 200 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया है, और कपास ज्वार बाजरा इस सब को लेकर के चलिएगा तो 200 से लेकर 800 रुपया प्रति क्विंटल तक वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को राहत हो। और पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए सरकार ने जो किसानों के प्रति चिंता जताई है इससे किसानों को एक बड़े राहत मिलने की उम्मीद है। अब किसान दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए कि नहर में पानी नहीं, किसानों को लेकर आप क्या कर रहे हैं? किसानों के लिए कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे एनडीए सरकार के भारत सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय आरके सिंह साहब 4,500 करोड़ रुपए का नहर पक्कीकरण का प्रोजेक्ट तैयार कराया है इन्हीं सब पानी की असुविधाओं को लेकर, और तकनीकी स्वीकृति के बाद राशि का अभाव था तो एशियन बैंक के साथ कल ही उन्होंने अपने चैम्बर में दिल्ली में एनडीए सरकार जो है किसानों के लिए क्या किया अभी तक एनडीए सरकार की बात जो तो अभी कल दिल्ली में उन्होंने अपने चैम्बर में बैठक किया और एशियन बैंक के चीफ डायरेक्टर ने आश्वासन दिया कि 352 करोड़ डॉलर हम इस नहर को पक्काकरण के लिए दे रहे हैं। हमारी नहरें इस सरकार में